Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा जी। इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन, मास एंड डेंसिटी, वेक्टर, फिजिक्स में फोर्स, लीवर वगैरह हमने डिस्कस कर रखा है। बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा इलेक्ट्रो लिए हैं जी इसीलिए। और उसके बाद की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको लॉजिक गेट नंबर सिस्टम मैंने करा रखा है, उसके बाद उसमें आपको डायोड स्टार्ट करने वाले हैं। अगर और मैंने कुछ करंट अफेयर के जो मेरे फोल्डर हैं वो तो सही नहीं है, आप मैं कुछ वीडियो जो है फन विथ जॉब में भी आपको शेयर कर देता हूँ, उन सबको भी देख लीजिए कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विशिष्ट ऊष्मा की तरह। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो मेरे चैनल का पार्ट बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं जी। आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए तो प्लेलिस्ट मैंने सबके बना रखा है इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो आपको सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उन सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें जी। और आपको भी पता है कि मैं प्लेटफॉर्म की बुक से बनाता हूँ, जो भी लड़के प्लेटफॉर्म की बुक को प्रीफर करते हैं तो प्लीज़ मेरा लेक्चर पहले देखें, उसके बाद आप क्या करें जी, आप उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर के एंड में उसको आप सॉल्यूशन बनाएं जी। तो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप अपने से भी क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप पहले ट्राई कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी जी। आगे बढ़ते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता पढ़ेंगे जी, गुप्त ऊष्मा पढ़ेंगे, ऊष्माधारिता पढ़ेंगे और ऊष्मा इंजन पढ़ेंगे। तो देखिए ये सब एक एक पॉइंट है, सबको डिस्टेंस समझिएगा जी। हम सबका क्या नोटेशन अलग अलग रखूंगा, इसलिए क्या है जी, जिससे कि हमको मिरेकल बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। अब मैं भी बता दूं कि इस बुक में जो है, इस बुक में इतना कन्फ्यूजन कर रखा है कि वाटर से क्या जी, आइस से वाटर मैंने बर्फ से पानी में बदलने में, पानी को वेपर में बदलने में बहुत सारे प्रोसेस क्या किए इसने रटवा रखे हैं जी। अगर मान लीजिए कभी आइस को मिलाएंगे पानी से तो कितना टेम्परेचर रहेगा, कितना नहीं रहेगा, इसने क्या रखा है जी, सब रटा रखा है। तो हम लोग वो सब रटने वाला प्रोसेस नहीं करेंगे जी, हम लोग को कंसेप्ट समझना है और एक ही कंसेप्ट समझना है, एक ही फार्मूला समझना है जी। इसमें चार फार्मूले बना रखे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चार फार्मूले नहीं याद करें, एक ही फार्मूला याद करें और उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए लेकिन डेफिनेशन सबका याद होना चाहिए जी अच्छे तरह। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा को हमें ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना जी, ऐसे डिनोट करते हैं। बोल रहे हैं किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक से बढ़ने के लिए दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती थी। बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई द्रव्यमान एम है, ताप क्या है जी थीटा से बढ़ाने के लिए, ताप क्या है जी थीटा बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं जी, क्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे जी। मान लीजिए अभी बोल रहा है क्यू बराबर क्या है जी, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी से हम टेम्परेचर को डिफरेंस को लिखेंगे जी, ये थीटा जो लिखा है वो मेरा क्या है टी है, तो एम एस डेल्टा टी। अब देखिए ये टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने डेल्टा टी लिखा है जी, देखिए तो क्यू क्या है जी एनर्जी है, एस मेरा क्या है यही विशिष्ट ऊष्मा है जी, विशिष्ट क्या है ऊष्मा है, ठीक है। टी क्या है जी, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे टेम्परेचर किस में लिखेंगे जी, तो केल्विन में लिखेंगे, ये याद रखिएगा, केल्विन में टेम्परेचर जब भी लेंगे टेम्परेचर केल्विन में लिखेंगे। एम किस में लेंगे, केजी में लेंगे जी, ठीक है। तो अब देखो अगर पूछा जाए एस का यूनिट निकालने के लिए तो मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छी तरह पढ़ा रखा है जी निकालने के लिए, तो प्लीज़ आप उस सब जाकर लेक्चर को आप देखिए यूनिट एंड डायमेंशन को, तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला था जी। स्टार्टिंग में पहले क्या निकालेंगे, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालेंगे, तो एस के लिए देखिए जी क्यू बाई एम और डेल्टा टी, ये क्या हो गया एस के फॉर्मूला, हमने एस के फॉर्मूला लिखा था। उसके बाद क्या कहा था, जो जो उसमें क्वांटिटी है उस सबके क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट हमें पता है जी, क्यू मैंने हीट होता है, हीट का क्या होता है जूल होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, मास का क्या होता है केजी होता है जी, टेम्परेचर का क्या होता है तो केल्विन होता है। तो आपको क्या हो गया स्पेसिफिक हीट का क्या आ जाएगा जी, देखिए स्पेसिफिक हीट का क्या हो गया जूल पर केजी केल्विन, यही तो लिखा हुआ है जूल पर केजी पर केल्विन, कितना आसान है। तो इस तरह मैंने यूनिट डायमेंशन में आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराए हैं, उसके बाद चैप्टर के एंड में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसको जाके पढ़िए और समझिए जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला नोट है जी, बोला है कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता लगभग 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, किसका होता है जी हाइड्रोजन का होता है। देखिए इसके बाद पानी में होती है,
इसके बाद क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, वाटर की होती है। इसीलिए वाटर को क्या, इस रेडिएटर जो होता है मशीन का जो रेडिएटर होता है उसमें क्या यूज करते हैं जी, हम लोग वाटर यूज करते हैं। तो पानी के उपयोग वाहन के रेडिएटरों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जिससे क्या हो जाएगा मेरा जो रेडिएटर रहेगा ठंडा रहेगा जी। खाना बनाने वाले बर्तनों में विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न तथा उसमें चालकता अधिक होती है। बोला है जब खाना बनाना है तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होगा जी, उसमें ऊष्मा रखने की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन ऊष्मा चालकता अधिक होनी चाहिए, जिससे क्या होगा ऊष्मा जो होगा हीट जो होगा कहाँ जाएगा, जो खाना बन रहा है उस पार्ट में जाएगा, जिससे क्या होगा एनर्जी उसको मिलेगा। चलिए जी अगला पार्ट देखिए, तो हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन कौन से हैं, तो एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे जी और समझेंगे कि हमारा क्या है। देखिए बोल रहा है कि 50 kg पानी है जो क्या है इतने मीटर की ऊंचाई से गिरकर जब पत्थर से टकराता है। देखिए जी अब इसमें क्वेश्चन में देख रखा है कि 50 kg का क्या है जो वाटर है, कितने ऊंचाई से गिर रहा है, 480 meter की ऊंचाई से गिर रहा है। यहाँ पे गिरने के बाद क्या होगा जी, गिरने के बाद टकराता है, उसकी सारी गतिज ऊर्जा क्या होती है ऊष्मा में बदल जाती है। इसका मतलब जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आया वो क्या हो जाएगा, हीट में चेंज हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब बोला चेंज हो जाती है तो तापमान में कितना बदल जाएगा। देखिए अब ये आइडियल केस लिया गया है, मैंने बोला था कि आप लोगों को जो भी पढ़ना है जी आइडियल केस का ही बनना है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है। इसलिए समझिएगा कि जो यहाँ से वाटर आया क्या होगा, यहाँ से गिरा तो इसको काइनेटिक एनर्जी कुछ मिला होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी मिला वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा जी, वो काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा बोल रहा है कि हीट में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, देखिए यहाँ पे अगर कोई मास मान लीजिए इतने ऊंचाई पे है तो उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वही क्या हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा जी, एनर्जी का तो लॉस ले रहा नहीं है, यही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, हीट में कन्वर्ट हो गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है MgH, ये क्या हो जाएगा हीट में क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा। ये हीट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जा रहा है। बोला कि टेम्परेचर में यही तो हीट जो है मेरा, इसी हीट को तो हम लिख सकते हैं ना, क्यू बराबर क्या क्या पढ़े थे, क्यू बराबर MS ΔT पढ़े थे, यानी यही हीट तो क्या हो जाएगा MS ΔT हो जाएगा जी, समझिएगा इस बात को। यहाँ क्या था जी, पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यही काइनेटिक एनर्जी पूरे हीट में ट्रांसफर होगा, इसी हीट से क्या होगा टेम्परेचर राइज होगा। तो हीट ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, वही काइनेटिक एनर्जी हीट के बराबर हो गया, ये हीट से क्या हो जाएगा MS ΔT हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। चलिए जी अब यहाँ पे मेरे पास वाटर है तो एस की वैल्यू हम लोग क्या किए जी याद करना पड़ता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, MgH, एम क्या है जी 50, जी का वैल्यू हमको पता है, एच का वैल्यू क्या है जी 840 meter है, यूनिट में क्या है जी सब हमको ऐसा यूनिट में रखें, एम क्या है जी 50 kg, एस क्या है जी हमको नहीं पता है, ΔT नहीं पता है जी। चलो 50-50 कैंसिल हो गया, 840 × g S ΔT। अब देखिए एस को वैल्यू जो है हमको याद रखना है जी, मैं बता रहा हूँ एस की वैल्यू क्या है जी, स्पेसिफिक यूज होती है, आपको क्या करना है ये याद करना है। देखिए अब पानी के बोला विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है जी 4200 J/kg है जी, तो 4200 क्या है जी ये हमको याद रखना है, जिससे क्या हो जाएगा हमको आसान कैलकुलेशन करते हैं, 4200 से इसको काटें जी, जी का वैल्यू क्या लेते हैं 10 ले लेते हैं, 4200 ΔT, 20 से 20 गया, 42 से 2, तो ΔT क्या हुआ जी 2°C, यानी जो टेम्परेचर में चेंज होगा कितना हो जाएगा जी, तो 2°C का या 2 जी जो भी होगा केल्विन होगा जो भी होगा क्या हो जाएगा इतना का चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है जी, स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट या ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये सबको याद क्या करना है जी, याद करना है हमको वाटर के लिए। तो वाटर के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है जी 4200 J/kg है जी, ठीक है इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि ऊष्मा धारिता पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए अभी विशिष्ट ऊष्मा हमें पढ़ रहे हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा देखिए फॉर्मूला में क्या है, विशिष्ट ऊष्मा के फॉर्मूला से हमको याद रख लिया है, क्या रखना जी जो भी विशिष्ट ऊष्मा है उसको याद रखिए, क्यू बराबर क्या होता है MS ΔT, ये विशिष्ट ऊष्मा धारिता है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। देखिए किस इसके फॉर्मूला में क्या है जी, मास है, टेम्परेचर है, तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बोला पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है जी, और किस पर निर्भर कर रहा है ऊष्मा धारिता, तो बोल रहा है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है क्या जी, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है जी, यहाँ से हम समझ सकते। चलिए जी आगे बात कर रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट में पढ़ेंगे। देखिए अब लेटेंट हीट क्या है जी, देखिए स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ा था वो टेम्परेचर को हेल्प करने में,
लेटेड हेड के बारे में पढ़ेंगे जी क्या है। अब देखिए लेटेड हेड क्या होता है जी, कोई भी मान लीजिए आइस है मेरे पास, क्या है जी ये आइस है ठीक है। इस आइस को क्या करेंगे हम, जो भी आइस है पहले इसको क्या करेंगे जी -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो इसको क्या करेंगे इसी बर्फ को हम क्या लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे उसी बर्फ को। अब इसी आइस को क्या करेंगे पानी पर ले जाएंगे लेकिन 0 डिग्री ही टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है जी स्टेट कन्वर्जन हो रहा है जी, बर्फ से क्या हो जा रहा है वाटर हो जा रहा है, बर्फ से क्या हो रहा है पानी हो रहा है। तो जब आइस से वाटर हो जाएगा तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे जी, यहाँ पे हमारा गुप्त ऊष्मा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। और यहीं पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए ये बात समझिएगा, इससे पहले हमने टेम्परेचर राइज किया था, यहाँ पे हम टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे, यहाँ पे तापमान चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है जी, तो ये कन्वर्जन हो जा रहा है किससे, तो आइस से किसमें हो रहा है जी, तो वाटर में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है कि जब स्टेट चेंज करना होगा तो क्या होगा गुप्त ऊष्मा लेंगे, लेटेंट हीट लेंगे। बोला है तापमान को नियत रखकर वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बोला है तापमान को नियत रखकर वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, एम द्रव्यमान की ऊष्मा को अवस्था को बदलने के लिए, बोला कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है उसकी अवस्था को चेंज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी जी, उसको एनर्जी को क्या बोलेंगे गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। अब देखिए हमारे ये पानी से अगर वेपर में भी चेंज होता है वो भी तो चेंज हो रहा है जी, तो वो भी तो क्या है जी वो भी स्टेट ही तो चेंज हो रहा है, तो अवस्था वो भी चेंज हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगा जी गुप्त ऊष्मा लगेगा, तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे जी। देखिए अब बात की जाए तो गुप्त ऊष्मा दो तरह का हो सकता है जी, एक क्या है बर्फ से पानी में हो रहा है, एक क्या हो रहा है पानी से क्या हो रहा है जी गैस में हो रहा है वाष्प में हो रहा है, तो दो अवस्था है दो गुप्त ऊष्मा होगा। चलिए जी गुप्त ऊष्मा की बात की जाए तो एल क्या है जी, तो एल का क्या होगा देखिए क्यू बराबर एम एल, एम एल क्या है जी मास है, क्यू क्या है हीट है, तो क्यू बराबर एम एल, एल क्या है जी गुप्त ऊष्मा है, तो एल का एसआई यूनिट क्या होगा देखिए इधर हीट है इधर क्या है मास है, तो जूल पर के जी, जूल पर के जी क्या हो जाएगा ये आपको गुप्त ऊष्मा का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पानी बन गया, अब इस पानी को अगर और भी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर इसका राइज होगा, राइज होते हो तो कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया पानी हो गया जी। अभी पानी क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें हो जाएगा जी, अब देखिए अब यहाँ से जब जाएगा वेपर में देखिए तो क्यू बराबर क्या लगाए हैं एम एल लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा इस टॉपिक को सही से समझिएगा जी, ये बार बार क्या है जी ये इसीलिए जो इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो कैलकुलेशन किया गया है अलग अलग फार्मूला से किया गया है वही रीजन है कि ये मेन जो ये कंसेप्ट है वो लड़का सब समझ नहीं पा रहा है। इस कंसेप्ट को एक बार फिर से समझिए जी, देखिए अगर मान लीजिए कोई वाटर है कोई आइस है, पहले मान लीजिए क्या है जी माइनस में कोई टेम्परेचर है आइस है, उसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा जी माइनस के तरफ से क्या चलना स्टार्ट करेगा -10, -5, -2, -1 पे आ जाएगा, तो जीरो पे जब आएगा तो ये देखिए जब जीरो पे आया तो क्या हुआ यहाँ पे स्टेट कन्वर्जन नहीं हो जा रही है, आइस का आइस ही रह रहा है बर्फ का बर्फ ही रह रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, तो हम कौन सा विशिष्ट ऊष्मा वाला फॉर्मूला लगाए जी, विशिष्ट ऊष्मा में हमने पढ़ा था जी एम एस डेल्टा टी, जहाँ टेम्परेचर चेंज होगा उसको क्या लिखेंगे जी विशिष्ट ऊष्मा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हुआ बर्फ से क्या हुआ जी हमको पानी में हुआ, तो एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अब क्या होगा पानी में आ जाएगा जी 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहेगा, अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है, क्या स्टेट हो रहा है जी तो बर्फ से क्या हो रहा है पानी हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो गुप्त ऊष्मा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर क्या लगाएंगे एम एल, देखिए यहाँ पे क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, यहाँ क्यू बराबर एम एल। देखिए इस चैप्टर का मैंने इस लेक्चर का मेन थीम ही यही है, इसमें मैं धीरे चल रहा हूँ तो कोई बात नहीं दोबारा समझिएगा जी, तो देखिए यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गुप्त ऊष्मा वाला लगेंगे क्यू बराबर एम एल फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पे पानी आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा टेम्परेचर राइज होगा लेकिन पानी सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, कौन सा टेम्परेचर चेंज करने वाला क्या था जी, तो हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो पिछले लेक्चर में पढ़े हैं उसमें क्या था जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो उसको क्या बोल रहे थे जी विशिष्ट ऊष्मा धारिता एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ जी मेरे पास वाटर मिला, अब वाटर को क्या है जी अब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, अब हमको वेपर में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है, तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है, तो स्टेट चेंज हो रहा है क्या लगाएंगे गुप्त ऊष्मा। इसका मतलब हुआ कुल कन्क्लूजन ये निकला कि जब गुप्त ऊष्मा लगेगा जी गुप्त ऊष्मा तो क्या होगा स्टेट चेंज होगा, मैंने अवस्था क्या होगी चेंज होगी जी,
अगर मान लीजिए विशिष्ट ऊष्मा है जी, विशिष्ट ऊष्मा है तो क्या होगा, डेल्टा टी होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो हमको दो बात याद रखनी है, गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, और विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज होना होता है जी। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट पढ़ा जी, और इसी दो पॉइंट को क्या करेंगे जी, याद रखेंगे। अगर याद रखिएगा तो आगे न्यूमेरिकल मिलिए, इसमें जो 5-10 फॉर्मूले रखा रखे हैं हमको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे जी, हमको एक ही फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। और यही अंतर है मेरे पढ़ाने में और इस बुक को लिखने में जी। मैं इस बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस राइटर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कन्फर्म कहूँगा कि उसको भाई इतना नॉलेज नहीं है, या हो सकता है ज़्यादा सिंपल करने में बच्चे कुछ कमज़ोर हैं तो उसको समझाने के लिए उन्होंने किया हो। लेकिन मुझे मानना है कि मैं उतना क्यों करूँ जी, मैं एक ही जब फार्मूला से सब कुछ काम कर सकता हूँ तो मैं 4 फार्मूले क्यों बनाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऊष्माधारिता पिछला कंसेप्ट आपने अगर नहीं समझा होगा तो फिर से वीडियो को बैक कीजिएगा और सारा सुनिएगा जी। ठीक है, आगे देखिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता में बात की जाए तो लिख रहा है किसी ऊष्मा किसी वस्तु के तापमान को एकांक से बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है जी। बोला है किसी वस्तु के तापमान को एकांक से बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है जी। हीट क्या है ऊष्माधारिता, एस क्या है विशिष्ट ऊष्माधारिता है, एम क्या है द्रव्यमान की वस्तु की ऊष्माधारिता। देखिए जी इसमें क्या होता है, अब ऊष्माधारिता मैंने विशिष्ट ऊष्माधारिता बढ़ाया था उसमें एस था जी, इसमें क्या है ऊष्माधारिता है। तो हम ऊष्माधारिता जो है बोल रहा है कि क्या है जी, वस्तु के एकांक तापमान को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं जी, ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता किस किस पर निर्भर करती है, बोल रहा है ये धारिता प्रकृति की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि ऊष्माधारिता पदार्थ के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो ऊष्माधारिता क्या है जी, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, और इसको हम क्या करेंगे जी, कभी भी हम अपने कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। हम लोग ज़्यादातर विशिष्ट ऊष्मा और क्या लेंगे जी, गुप्त ऊष्मा का ही कैलकुलेशन लेंगे। चलिए जी अब आते हैं, कुछ पॉइंट है जो मेमोराइज करना जी, इसको बिना याद किए हम कंप्लीट नहीं कर सकते जी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग को याद है कि विशिष्ट ऊष्मा, पिछला लेक्चर में जाएगा हमने टेम्परेचर राइज किया था जी, तो उसमें क्या था विशिष्ट ऊष्मा धारिता हमने जल का याद किया था, कितना जी तो 4200 पर केजी पर केल्विन। चलिए हमको याद करना है कैलोरी वाला भी जी, विशिष्ट ऊष्मा वाटर की क्या होती है 1 होता है, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं जी। अब देखिए बर्फ की, देखिए अब यहाँ पे है कि अब आइस के लिए तो जल के लिए तो 1 मिला, बर्फ का लेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, क्या जी विशिष्ट ऊष्मा, यानी एस मेरा क्या है जी, ये मेरा एस है, एस क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, एस का क्या है जी 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी का क्या होता है 4.2 जूल भी हो सकता है या 4.18 जूल भी हो सकता है, उसको भी याद रखिएगा जी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU बराबर क्या होता है 252 कैलोरी होता है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं होता ना बर्फ के। अच्छा जी अब बर्फ से अगर मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था कि आपको क्या है जी, बर्फ से क्या आएगा जब पानी में आएगा तो कितना गुप्त ऊष्मा होगा, एल है, तो ये मेरे लिए क्या है जी एल है, ये मेरे लिए क्या है एल है। तो देखिए बोल रहा है कि बर्फ से क्या हो जाएगा गलन है, तो गलन का क्या, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है जी, बर्फ से पानी में आ रहा तो क्या हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम होगा, क्या होगा जी 80 कैलोरी पर ग्राम होगा। तो कैलोरी वाला ही याद रखिएगा क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कैलोरी में ही करेंगे। जल के बर्फ वाष्पन का गुप्त ऊष्मा, वाष्पन का गुप्त ऊष्मा क्या है, जल से क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जल से वेपर में कन्वर्ट क्या होगा जी, तो 540 कैलकुलेशन के लिए जनरली यूज कर रहे हैं, 536 भी होता है जी, तो 540 कैलोरी पर ग्राम है जी। ठीक है ना, 540 कैलोरी पर ग्राम है, यहाँ पे क्या है 80 है। ठीक है जी, यहाँ जब बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो 80 लेंगे, आज जब पानी से वाष्पन में चेंज होगा तो 540 लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम दो पॉइंट समझे, यहाँ पे क्या था जी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या था जी, जो टेम्परेचर चेंज होगा उसके लिए हम यूज करेंगे, तो ये क्या है जी, बोल रहा है कि जल के लिए कितना रहेगा जी, ये रहेगा, लेकिन मान लीजिए बर्फ का अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा 1/2 लेंगे जी। तो यहाँ से हम लोग 4 पॉइंट याद रखना है जी, ये 80, 540, ये क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसके लिए, तो जल के लिए, बर्फ के लिए क्या होता है 1/2 होता है जी। बात की जब बर्फ से अगर पानी बनना है तो 80 लेंगे, अगर पानी से वेपर बनेगा तो वाष्पन बनेगा तो क्या जी 540 लेंगे, या 536 भी हो सकता है, वो वैरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है ना जी, तो 536 540 बराबर ही है ना,
तो इसलिए उसमें डाउट होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन के डाटा जो दिया गया उससे हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा लेना है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन 500 अगर 36 देगा तो 536 से करेंगे, 540 देगा तो 540 से करेंगे। चलिए अभी देखिए, हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़े हैं आज के लेक्चर में, और इसको अप्लाई करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगर जो भी इस लेक्चर को नहीं देखेगा तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगला लेक्चर उसे समझ में नहीं आएगा जी। उष्मा इंजन, उष्मा इंजन क्या है जी? उष्मा इंजन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो उष्मा ऊर्जा को कार्य में बदल देती है जी। ये एक ऐसी युक्ति है जो उष्मा ऊर्जा किसमें बदलती है? कार्य में बदलती है, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन इत्यादि। इसमें कोई उष्मा इंजन टेम्परेचर का स्रोत Q1 मान लीजिए हीट उष्मा लेती है, और T2 ताप पर वायुमंडल से Q2 उष्मा लौटा देती है जी। इस इंजन की क्षमता बताइए जी। बोला कोई उष्मा इंजन है जी, T ताप पे है, उसको कितना है जी, स्रोत से इतना एनर्जी लेता है और T2 तापमान पे वायुमंडल में Q2 उष्मा लौटा देता है, तो उसका क्षमता क्या होगा? तो क्षमता है Q1 माइनस Q2 बाई Q1। जो लिया है ना उसके रेफरेंस में क्या निकालते हैं जी? क्षमता निकालते हैं, ठीक है ना। तो कितना कंज्यूम किया, देखिए यही हीट में था उसी तरह टेम्परेचर में फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हम किस में लेते हैं जी? केल्विन में लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर हम किस में लेंगे जी? केल्विन में। ऐसा नहीं करिएगा कि टेम्परेचर आप क्या लगेगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो गड़बड़ हो जाएगा जी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोल रहा है कोई उष्मा 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूर्य से उष्मा लेती है जी, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड वायुमंडल को लौटा देती है इंजन की दक्षता। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? T1 - T2 / T1 × 100, ठीक है। अब 527 को हम क्या करेंगे जी? डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 273 ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा। 27 डिग्री क्या हो जाएगा? 273 गुणा 300 डिग्री, तो क्या हो जाएगा जी? 800 - 300 / 800, तो 500/8% हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उष्मा इंजन का मेरे पास क्या हो जाएगा जी? क्षमता आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, आगे जब हम लोग आएंगे, देखिए अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे जी, बर्फ से क्या करेंगे जी? जल में कन्वर्ट होंगे। बर्फ और जल के मिश्रण को मिलाएंगे, उसमें पूछेगा कि टेम्परेचर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको 9 स्टार दे सकता हूँ जी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है जी, पिछले आप पेपर उठा के देखिएगा टेक्नीशियन का, LP का, तो हमेशा आया हुआ है जी, हमेशा आया हुआ है। वैसे ही बर्फ और जलवाष्प को मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलाएगा, फिर से फाइनल टेम्परेचर पे कितना पे हो जाएगा जी, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर से आगे है कि जल और जल के मिश्रण को मिलाया जाता है जी, जल है अलग अलग टेम्परेचर मिलाया जाएगा तो उन पे फाइनल क्या टेम्परेचर रहेगा जी। उससे अगला है कि जल और जलवाष्प को मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, कितना कन्वर्ट होगा। तो हम ये टॉपिक क्या करने वाले हैं जी, डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए क्या है, जो पिछले मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए हैं उसको आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो क्या होगी जी, दिक्कत होगी आपको समझने में। तो आगे वाले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। यहाँ पे देखिए एक बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, और मैं बोल रहा हूँ कि अगले लेक्चर अटेंड करने से पहले आप ये दोनों लेक्चर को पढ़ लीजिएगा जी, पिछले सारे लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक उष्मा है। बोला है कि इतना सेंटीग्रेड बढ़ाना है, कितना आवश्यक उष्मा होगा? तो देखिए आवश्यक उष्मा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा जी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगा, MS ΔT, यानी विशिष्ट उष्मा होगा जी, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करता है वहीं, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए कहाँ से कहाँ है, 1 kg लिए हैं जी, 1 kg है तो 1 kg ऐसा नहीं पता है जो ही रहने दीजिए। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, तो 80 से 30 हो रहा है, तो 80 - 30 ये टेम्परेचर हुआ, 1 Q है जी। देखिए ये क्या है, मेरे पास जल है, तो जल का हमने स्पेसिफिक हीट याद किया है जी, जल का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, किसमें निकालना है जी हमको, ऑप्शन में देखिए किसमें लिखा है जी, कैलोरी में लिखा है। तो जल का स्पेसिफिक हीट कितना होता है जी, जल का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी होता है पर केजी पर केल्विन। तो 1 × 1 × 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी क्या हो जाएगा जी, 50 कैलोरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे निकल गया 50 kg कैलोरी निकला जी, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या निकला जी, 50 निकला। देखिए वही बात है कि अगर आप इसमें याद नहीं कीजिएगा यूनिट, सॉरी अगर S मान लीजिए S की वैल्यू याद नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत आ सकती है जी। तो S की वैल्यू क्या कीजिएगा, याद करना बहुत ही जरूरी है। देखिए अब किलो जूल में अगर कन्वर्ट किया तो 42 होता, लेकिन अगर मान लीजिए इसी को
केल्विन कैलोरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, वन होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पिछले मैंने जो याद कराए हैं, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा। और अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया है, हमेशा कोई भी उठाइएगा जी आपको हमेशा पूछा जाता है। और बार बार मैंने पढ़ाया, मैंने अपने बैच में पढ़ाया भी है, वहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ कि लड़के बार बार कन्फ्यूज हो जा रहे हैं इस टॉपिक में, बार बार कन्फ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जी। तो इसलिए क्योंकि मैंने बार बार बताने की कोशिश करा, बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए जब क्वेश्चन आया है तो इस बार भी तो आएगा ही, जब पहले आया है तो अब तो आना फिक्स ही है जी इस बार, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ जाएंगे, तो इस बार क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, बेल आइकन को भी दबा दे और ज्वाइन का बटन है तो ज्वाइन भी करें। अगर सेट रिमाइंडर जब भी आ रहा है तो सेट रिमाइंडर कर दे, ताकि शुरुआत में अगर सेट रिमाइंडर कर देते हो तो बाद में क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंचने लगेगा। कुछ बच्चों का जो कंप्लेन था नोटिफिकेशन का, वो मुझे फीडबैक से पता चला है कि अगर सब ऑन करने पर नोटिफिकेशन जरूर ही जा रहा है। अगर किसी के पास प्लेयर अगर पुराना है तो उसको अपडेट कर लीजिए, प्लेयर अगर पुराना है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो प्लेयर को अपडेट रखें। और मैं तो बोलूँगा कि आप एक्सप्लोरर या क्रोम ही रखे जी, जिससे क्या हुआ नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही।